हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। बात कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी प्रतिक्रिया है, सबसे पहले तो नमस्कार आप लोगों को, मीडिया वाले को, भोजपुरिया समाज के जितना लोग बा ओकरा के भाई हमरा हिंदी कम बोले वाला, इसमें भोजपुरी में बतियाए के चाहते हैं और भोजपुरिया हलिया माहौली। सबसे बड़ा दुख बा कि विवाद से हमरा भोजपुरिया समाज पर एगो कलंक लाग गए। जहाँ भी जाए ई मैटर के लिए आई मैटर कुछ नहीं, केहू अपन नाम उछाले ला काम कर रहा बा, केहू कर साथ दे रहा बा, हकीकत का बा एकरा के सामने लावे ला केहू कोशिश ना कर। अब बताई कि एगो मैटर आयल बा कि पवन जी के पत्नी केहू से बतिया तारी पवन जी के बारे में, ऐसा हो सका था भोजपुरिया समाज में? क्या भोजपुरिया समाज के लोग एकरा के स्वीकार कर था कि केहू के पत्नी अपना पति के बारे में गलत केहू से बोल सका था? सरासर बोल के झूठ कह जाता है। एगो विवाद देखनी लोग कल गल कि एयरपोर्ट पर जाके गिरतर संभार के ले जाता। एयरपोर्ट पर ऐसा स्थिति में केहू के अंदर जाए दी, आदमी लुढ़क जाए, बात जवाब केहू का लगे? अगर बात केहू लुढ़के जाके एयरपोर्ट पर चल जाओ, जहाज से उतर जाओ, पता लग जाए सच्चाई का। हम ही नहीं कहा जो गलत बड़ी का मैटर बा, केहू का समझ नहीं। बस वो कहावत हमारा बिहार में कहा जाला जो कौआ कान लेके जाए तो कान ना पकड़ के देखी कौआ के पीछे उठू आए फिर और बोली लोग। आपने दोनों के साथ में काम किया, कैसा अनुभव रहा है उनके बारे में? बहुत बढ़िया होगा, हम कभी नहीं देख ले पवन जी के केवल लड़की के छेड़खानी, केवल हीरोइन से छेड़खानी, यानी कि बातें ना कर रहा हूँ केहू से। केहू जाओ गला मिले के बा उनका, प्यार से मिले के बा। अच्छा, जो आरोप लग रहे हैं उन पे अभी अक्षरा सिंह द्वारा लगाए जा रहे हैं, कुछ अनाप शराब की अफवाहें, कुछ लोग और भी सामने आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में देखिए। का पवन जी कभी आरोप लग गई ना लग गई, केहू नहीं पकड़ा। इस शुरुआत कहाँ से भली केहू पकड़ा, जब काहे आए ला। अब मान लीजिए केहू के फैन फैन, अब दू गो हम जानी ले, तीसर का फैन का वाला हम ना जानी ले, ज़्यादा पढ़ल नहीं थी। एगो है पंखा वाला फैन, ओकर एगो चाय में बोर के खाई जाला, वो कौन फैन आ लोग? केहू के फैन कुछ बोल देता कहीं ओकरा आरोप पर ओकरा के सीधे स्टार के लगा दिया, कितना गलत बा। फैन तो ओके पागल, बाकी का बा बहुत ऐसा भल बा फैन की हत्या कर ले बा अपना ला। बहुत कुछ सुने रहे कि देवानंद जी रहस तो लड़की लोग कूद जाए, अब फैन पागल बा और कुछ बोल देता ऊपर आरोप पवन जी पर, पवन जी कुछ कहल। ये आरोप कहाँ से शुरू भैया, ओकरा के केहू उजागर कलक जैसे मामला भाई, जैसे कि अभी सामने ही जय जी सब कुछ पूछनी है, सब कुछ जवाब दे रहा, ज़्यादा कुछ बता देना। दुख हमियों का भले बात पर कि जे उठैलक रूबी सिंह के बारे में काहे ऐसा काम भाई, अभी बहुत मैटर आएल बा जो कितना के जवाब दिया। कहल जाता कि पवन जी काहे नहीं खाना आओ सामने, अरे पवन जी काम में बड़ा। एगो बताएं कि वो कलाकार मेंटली डिस्टर्ब हो जाए तो काम करी? एगो प्रोड्यूसर पर का गुजरी, वो कलाकार काम ना करी प्रोड्यूसर के कितना नुकसान हो रहा बा, एक करके वो सोचता। दोनों कलाकार वालों दोनों आदमी का मेंटली डिस्टर्ब ना होके के चाहिए, बैठ के समझौता कर लो चाहिए, काम करे चाहिए और प्रोड्यूसरों के जियानी लोग। एक दिन मेंटली डिस्टर्ब हो कम, पाँच दिन प्रोड्यूसर बर्बाद हो रहा भैया, ओकर खून का जरूरत समझ में आता क्यों चाहिए? मीडिया का क्या चाहिए? मिर्च मसाला लगाता लो, जरा जौन बुझाता बोल देता, जरा जौन बुझाता बोल देता। केहू मीडिया पवन जी के सपोर्ट में काहे ना बोलक? ये पवने जी खाली बतैन, पवन जी के आसपास के लोग भैया आज क्लियर होता? इतना मीडिया 200 चल रहा बा, वो मीडिया पवन जी के आसपास के लोगों से पूछे के चाहिए, 50 आदमी से पूछू, मैं दो आदमी तो सही बताई ये जानो थी जितना उतना तो बता दी। और बताओ मीडिया तो तब बोलेगी ना जब पवन सिंह अपना जो शरीर को सामने रखेंगे मीडिया के सामने। पवन जी काम में व्यस्त हैं, अभी जय जी ने बताया, सबको बता रहे हैं, एक बार काम तो हो जाए, या कहीं प्रोग्राम करने गए हैं मेंटली डिस्टर्ब होकर प्रोग्राम को छोड़ दें, उस प्रोड्यूसर का काल होगा, अभी समझ रहे हैं आप लोग? उसका काम तो कर लेने की, आएंगे कहाँ जाएंगे पवन जी, कहीं जाएंगे आएंगे सामने। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.